नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार चंद्रा चंद्रा एक्यू पॉइंट टेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक चंद्रा एक्यू पॉइंट चैनल परिवार की ओर से वेबसाइट भी लॉन्च हो चुकी है www.chandraeqpoint.com और दूसरी www.allinonehere.com। उसके बाद दो ब्लॉगर साइट्स भी लॉन्च की गई हैं, जिनमें आप जानेंगे अपने परिवार के अंदर किस प्रकार से हम एक दूसरे को सुखी रख सकते हैं और किस प्रकार से हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं, और नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताया जाएगा। और इन वेबसाइट के नाम नीचे दिए जा रहे हैं, www.truelifeladder.blogspot.com, www.taggyan350.blogspot.com। सुरक्षा के साथ रोगी का उपचार करना ही हमारे केंद्र का लक्ष्य है। रोगी का उपचार करने के लिए हमारे माइक्रो मैग्नेट न्यूरोथेरेपी सेंटर, दिव्य आयुर्वेदिक एक्यू मैग्नेटिक चिकित्सा केंद्र शास्त्री नगर पर एक्यू प्रेशर उपचार, और जो व्यक्ति आने में असमर्थ है उन रोगियों के घर पर जाकर उनका उपचार किया जा रहा है। लॉकडाउन के समय में उपचार करने में भरपूर सुरक्षा सावधानियों का प्रयोग हमारे द्वारा किया जा रहा है। सफाई का यह सुरक्षा कवच अब हमें और सभी देशवासियों को जीवन भर अपनाना है और कोरोना को हराना है। लॉकडाउन के नियमों का पालन हमेशा करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, तभी हम रोग से बच सकते हैं। अब आपको उपचार करते समय हम किस प्रकार से ये सावधानियां बरतते हैं उसको इस वीडियो में देखते हैं। और इस वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार ग्लव्स पहनकर उपचार किया जा रहा है और मुंह पर मास्क बांधकर और कांच वाला हेलमेट पहनकर मैग्नेट लगाई जा रही है। मैं राकेश कुमार चंद्रा एक्यूप्रेशर क्लास में आपका स्वागत करता हूं। लॉकडाउन के समय में आज 16 तारीख हो चुकी है और कल 17 तक लॉकडाउन 3 समाप्त हो जाएगा और उसके बाद 18 तारीख से लॉकडाउन 4.0 शुरू हो जाएगा। अब हमें कोरोना के साथ जीना पड़ेगा और जीने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही पड़ेगा और हम रोजाना के दैनिक कार्य अब कोरोना के साथ ही सुरक्षा के साथ करने पड़ेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हमें हाथों पर ग्लव्स पहनने पड़ेंगे, मुंह पर फेस मास्क लगाना पड़ेगा। अब कोरोना से लड़ने के लिए, और कोरोना अब जाने वाला तो है नहीं और वैक्सीन आने में भी अभी टाइम है, समय लगेगा वैक्सीन आने में, तो जब तक वैक्सीन नहीं आती तो उससे पहले हमें मार्केट भी जाना है तो सावधानी के साथ जाना है। सावधानी को छोड़ना नहीं है, क्योंकि सावधानी हट जाएगी तो हमारे साथ दुर्घटना घट जाएगी। कोरोना को आप चाहें तो आपके साथ हो सकता है और ना चाहें तो ये आपके साथ नहीं आ सकता। इसके लिए आपको किसी दूसरे की स्किन को टच नहीं करना है। यदि आप एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं तो रोगी को सामने बैठाएं पास में और उसके हाथों को अपने हाथों से टच ना करें। अपने हाथों से टच करने से बचाने के लिए आपको हाथों पर ग्लव्स पहनने होंगे, मेडिकल ग्लव्स, और मुंह पर मेडिकल फेस मास्क लगाना पड़ेगा।
डिस्पोजेबल और उसको एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसको नष्ट करना होगा, और दूसरे नए रोगी पर फेस मास्क और हाथों के ग्लव्स आपको बदलने पड़ेंगे। तो ऐसा करने से हम कोरोना से बच सकते हैं और चेहरे पर हमें फेस शील्ड लगानी पड़ेगी जिसमें सी कांच लगा होता है, और इससे हम अपने चेहरे को ढक सकते हैं और उसमें से कांच लगा होने के कारण हम मरीज का इलाज कर सकते हैं। मरीज सामने आए तो उसके मुंह पर भी फेस मास्क लगा होना चाहिए और उसके हाथ सैनिटाइज किए जाने चाहिए। मरीज को देखने के बाद आप अपने हाथ भी सैनिटाइज कर लें और सुरक्षित रूप से इलाज करें। यदि हमें सब्जी खरीदने भी जाना है तो जहां पर भीड़ हो वहां पर खड़े ना हो, दूरी बना के रखें तो रोग पकड़ नहीं पाएगा आपको। सब्जियों को लाने के बाद उनको हल्दी और नमक और अजवाइन डाल दें थोड़ी सी, तो इसके पानी में उन सब्जियों को धोकर साधारण पानी से डाल दें, और वो सब्जियां यदि आप सुबह लाए हैं तो शाम तक के लिए डल रहने दें, और यदि रात को लाए हैं तो सुबह तक उसी पानी में आपको डालकर रखना है, और फिर बाद में निकालकर उसको साफ पानी से धो लें और प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से हम बाहर से लाई हुई चीज़ों को धो सकते हैं। कोरोना से लड़ने के लिए और कोरोना से बचने के लिए आपको अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करना होगा। जब भी अटैक होता है तो ये नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा या आंखों के द्वारा भी हमारे शरीर में चला जाता है और ये फेफड़ों पर अटैक कर देता है, तो इसलिए हमें लंग्स की एनर्जी को मजबूत करना होगा। उसके लिए हमने एक वीडियो में आपको बताया था, तो वो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, हमारी तरफ ये आई बटन आ रहा है इसको दबाकर देखें, और सब्जियों को किस प्रकार से साफ करना चाहिए और किस प्रकार से स्वच्छता के प्रबंध करके हम स्वस्थ रह सकते हैं आप इस वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर आई बटन दबाकर, और आप इनको देखने के बाद स्वच्छता का पालन करेंगे। आप ये ना समझें कि तापमान बढ़ने से, बाहर का तापमान बढ़ने से कोरोना से बच जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोरोना का अटैक आप पर हो जाएगा तो ये शरीर के अंदर जाएगा। हमारे शरीर का टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसको हम बोलते हैं लगभग 98.4 डिग्री फारेनहाइट। तो जब शरीर का टेम्परेचर इतना होता है तो कोरोना इसमें ही नहीं मर पाता, तो बाहर का जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमारा शरीर उस बाहर के टेम्परेचर को, मान लिया 45 डिग्री टेम्परेचर बाहर वातावरण का है, तो हमारा शरीर उस वातावरण से जब हम जाएंगे तो पसीना निकालना शुरू कर देगा, और हमारे शरीर का आंतरिक टेम्परेचर 98.45 के लगभग बनाए रखेगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि बाहर गर्मी ज़्यादा है तो मुझे कोरोना नहीं पकड़ पाएगा। और किसी भी प्रकार से स्किन टच करने से बचें, यानी कि हम अगर बाल भी कटाने जाएं किसी के तो हम नाई से भी चाहेंगे कि वो स्किन को टच ना करें अपने हाथों से, और उसके चेहरे पर फेस शील्ड लगा होना चाहिए, मास्क लगा होना चाहिए, तभी हम बाल कटाएंगे उससे, और किसी भी तरीके से हम डायरेक्ट टच से बचेंगे। तो इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए प्रतिदिन आपको अदरक थोड़ा सा लें, हल्दी और तुलसी के 2-4 पत्ते और काली मिर्च, इनको पानी बनाकर आप सुबह या दोपहर में या रात को सोने से पहले भी ले सकते हैं। अब इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए एक्यूप्रेशर में हम क्या करेंगे, अब आप उसको देखेंगे। एक वीडियो हमने बनाई थी इम्यूनिटी के ऊपर, तो उसको आई बटन दबाकर आप देख सकते हैं, इधर साइड में आ रहा है, और इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ लंग्स की, अब आप यहाँ पर एक कलाई पर
LMM मेरिडियन पर 7 और 8 इस पर हम 0.36 टोन और 4.59 शेडेड करेंगे और ये लगाया जाएगा LMM सकरा के ऊपर ब्रांच ट्रीटमेंट के साथ। तो इनको किस प्रकार से लगाना है वो हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। और अपने ये अंगूठा है इसके दोनों जोड़ों के, ये पहला जोड़ बात वाला और दूसरा ये कफ वाला जोड़ है, इसके चारों तरफ आप काला रंग स्केच पेन से दोनों हाथों में लगा सकते हैं और सुरक्षा के तौर पे आप इस पहली उंगली, रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर, उसके बाद इधर स्मॉल फिंगर और लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर के वात जॉइंट के आगे और पीछे एक एक पॉइंट लगाना होगा ब्लैक कलर का, 0 और 9। ऐसे ही इस उंगली में 0 पर काला और 9 पे काला। तो ये काले कलर आप इस उंगली में भी लगाएंगे और ये 0 टोन 9 सिटेशन कहलाता है लेकिन ब्लैक कलर से। तो इस प्रकार से हम सावधानी से इस वायरस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। सावधानी जरूर बरतनी पड़ेगी आपको आगे भी अगर जीवन में आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, क्योंकि एक बार जो वायरस आ जाता है वो कई सालों तक रह सकता है और उससे सावधानी बरतनी ही पड़ेगी। हम हर साल बीमार होते हैं, वायरल इन्फेक्शन होता है, तो ये सब वायरस और संक्रमण के कारण ही, बैक्टीरिया के कारण ही होता है। तो ये जो बैक्टीरिया एक बार आ जाते हैं वो जल्दी से जाते नहीं है, तो इनको जाने में काफी समय लग जाता है। जब तक वैक्सीन आएगी तब तक हमें सावधानी के साथ अपना जीवन यापन करना पड़ेगा, मार्केट भी जाना पड़ेगा। तो बीमार होने से पहले ही इलाज कर लें तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। अब प्रैक्टिकल की तरफ देखते हैं। यहाँ पर हम ये जो स्तरीय कलाई मोड़ेंगे तो जहाँ पर ये सेंटर में ऐसे करके यहाँ एक खड्डा आता है बीच में, ये पॉइंट, और इसके बराबर में दो यहाँ पर इस तरीके से उंगली रखेंगे तो यहाँ भी खड्डे मिलते हैं। तो इन दोनों खड्डों में हमें मैग्नेट लगानी है, ये 9 कहलाता है और ये अंगूठे की तरफ 8 होगा और ये 7, तो हमें 8 और 7 पर लगानी है। उसके लिए जो हमने ये मैग्नेट व्यवस्थित की थी, अब इनको इस प्रकार से लगाएंगे कि जो ये पीली वाली मैग्नेट दिखाई दे रही है आपको, येलो वाली, उसके लिए हमें इस 8 पर रखेंगे पहले एक मैग्नेट का चक्र और दूसरा ये इस तरह के रखेंगे और बीच का सेंटर हम खाली छोड़ देंगे। तो ये खाली रहेगा बीच में खड्डा जो है, और इसके दोनों तरफ लगानी है आपको। तो इस प्रकार से ये मैग्नेट हम लगा देंगे और लगाने के बाद इनको आप 8 से 12 घंटे रख सकते हैं। तो ये आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करेंगी और ये लेफ्ट हाथ में लगाई जाएंगी। बस केवल आपको ध्यान रखना है कि बीच में खड्डा खाली छोड़ें और इधर उधर ये लगा दें, लेकिन इसमें पीला वाला जो मैग्नेट्स हैं 3, ये अंगूठे की तरफ रहेंगे और ये 3 सफ़ेद छोटी उंगली की साइड में रहेंगे। ऐसे ही इसमें भी है, दोनों सेम प्रकार से बनाई गई हैं। तो ये लेफ्ट मेगा मेरिडियन 0.36 टोन 4.59 सीटेट ब्रांच मेरिडियन और LMM 8 और 7 पर लगाई गई हैं। उसके बाद एक स्केच पेन लेंगे ब्लैक, और स्केच पेन से ये जो अंगूठे हैं हमारे, इनके चारों तरफ इस तरीके से वात जॉइंट पे ये ब्लैक कलर लगाएंगे। ऐसे ही कब्ज जॉइंट पर भी ये जो जोड़ है इस पर चारों तरफ इस जॉइंट के चारों ओर ये ब्लैक कलर का रिंग बना देंगे एक। ऐसे ही दूसरे हाथ में भी ये ब्लैक कलर का रिंग बनाएंगे। और ये ब्लैक कलर का रिंग चारों तरफ बनाएं। तो इस प्रकार से ये लगा लें
और उसके बाद ये उंगलियों के आगे पीछे जो जीरो टोन और 9 सीटेड होता है उस पर ब्लैक कलर द्वारा ये आगे पीछे उंगली को मोड़ के इस प्रकार से ये पॉइंट लगा लें सेंटर में, बिल्कुल ये लग गए इस तरीके से। और इस हाथ में भी आप स्मॉल फिंगर में भी, रिंग फिंगर में और इंडेक्स फिंगर में आगे पीछे वाच जॉइंट पर लगाएंगे ये जीरो, ऐसे ही यहाँ पर जीरो में ब्लैक कलर और ये जीरो पर ब्लैक कलर और 9 पर इन्हीं जॉइंट्स के ये ब्लैक कलर लगाएंगे सेंटर में। ऐसे ही आप ये उंगली ऐसे मोड़ लें और सेंटर में ब्लैक कलर लगा दें, ये लग गया ब्लैक कलर सेंटर में। और उसके बाद ये स्मॉल फिंगर के जॉइंट पर भी ब्लैक कलर, तो ये ब्लैक कलर इस प्रकार से आप लगा के रखें। और ये संक्रमण को रोकेंगे और कहीं पर भी कोई समस्या होगी तो उसको ठीक करेंगे। तो बचाव के लिए ये ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, यह कोई कोरोना का ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन उससे पहले जब हम स्वस्थ हैं तो ये ट्रीटमेंट हम रोज़ाना दें और जितनी सावधानी आपको वीडियो में बताई गई हैं वो सब कर लें तो हम कोरोना से बच सकते हैं। और इस पीरियड में जो कोरोना काल चल रहा है इसमें आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तला भुना हुआ भोजन भी नहीं खाना है। आप इसमें जो मौसम के अनुसार सब्जी आ रही हैं, फल आ रहे हैं, उनको जितना हो सके आप कच्चा खा सकते हैं, जैसे खीरा है, नींबू है या फिर टमाटर। तो इस तरह की चीज़ें आप जिसमें ज़्यादा विटामिन सी होता है वो ज़्यादा खाएं तो हम संक्रमण से बच सकते हैं। तली हुई चीज़ों का इसमें परहेज करें और अल्कोहल का भी परहेज इसमें करना होगा, तभी हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। जल्दी सोना है, जल्दी उठना है और सुबह को आपको प्रतिदिन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योगा करना है। योगा में प्राणायाम बहुत ज़रूरी है, जिसको 5 मिनट कम से कम करें और बढ़ा बढ़ा कर इसको धीरे धीरे 10-15 मिनट तक कर सकते हैं, जिसमें अनुलोम विलोम और कपालभाति रोज़ाना करें। तो मेगा मेरेडियन में आपको बताया, तो इस प्रकार से आप ट्रीटमेंट बांधते रहें और रोग से बचे रहेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि वीडियो के नीचे रेड कलर का एक बटन आ रहा है सब्सक्राइब, उसको दबाएं और उसके बाद बेल आइकन दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहेगा और ये वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार।